सीशेल्स ऑन द सीशेल्स सीशेल्स सीशेल्स। अरे नहीं नहीं नहीं, ये टोइंग ट्विस्टर्स मुझसे नहीं होते। अरे नमस्कार, हमारे खाऊ दोस्तों तैयार हैं आप सब एक मजेदार और स्वादिष्ट सफर के लिए। दोस्तों आज हम हैं मुंबई के मशहूर जू बीच पर, और जब बीच पर होते हैं तो क्या होता है, खूब सारा सन होता है। लेकिन आज नहीं है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बारिशों का मौसम है, खूब सारी सैंड होती है जो कि है, और खूब सारी समुंदर की लहरें होती हैं। और जब हम समुंदर को ज़्यादा समय तक देखते हैं ना, सी 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 द सी, तब हमें याद आती है, नहीं नहीं लता जी की याद नहीं आती, लता जी भूलने कब देती है जो उनकी याद आएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वो कहाँ है, आएंगी आएंगी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। आज इस व्लॉग में उनका गेस्ट अपीयरेंस है। तो खैर बात कर रहे थे सी की, तो सी को देखकर ना मुझे याद आती है सबसे ज़्यादा सी फूड की। जी हाँ, और आज हम जाने वाले हैं आपके साथ मुंबई के सबसे मशहूर सी फूड रेस्टोरेंट में। तो चलें, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, चलते हैं और कुछ सी फूड के मजे लेते हैं, आइए। अरे थैंक यू मनोज, थैंक यू वेरी मच, आपका फोन बज रहा है, उठाइए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं महेश लंच होम, और जैसा मैंने आपको कहा ये मुंबई का सबसे ज्यादा मशहूर रेस्टोरेंट है अपने सी फूड के लिए। बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इन्हें, और ये अवार्ड्स अब क्यों मिले हैं ये तो अब इनका खाना खाकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं महेश लंच होम का स्वादिष्ट सफर, आइए। हेलो, तो हाउ दोस्तों पहुंच गए हैं महेश लंच होम के अंदर। बहुत ही खूबसूरत और सूदिंग एम्बियंस है, और जो खाने की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बस मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूं, बस इंतजार कर रहा हूं खाना कब आएगा और जो हमारे साथ खाने वाले हैं वो कब आएंगे। इंतजार आगे 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 खाने वाले जी, वाह टाइमिंग देखो, इनका टाइमिंग देखो, खाने के मामले मेरी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। तुम्हें क्या आया इधर के किसी स्टाफ ने फोन कर दिया था कि मैम खाना लगने वाला है, मतलब जब तक हम बाहर धूप धूप में शूटिंग कर रहे थे तब तो तुम्हारा पता नहीं, जब अंदर आके एसी में बैठ गए तब तुरंत पहुंच गई, घर तक खाने की खुशबू पहुंच गई थी, मैं सब काम वाम फटाफट खत्म करके पहुंच गई। तो बस अब ये तो आ गई, अब बस खाना आएगा। क्या मंगवाया आपने? अभी तो सूप मंगाया, ये लीजिए आप ही क्या वेज, यहाँ पे सब वेज। ओहो कोरिएंडर क्रैब सूप, वेजिटेरियंस का क्या होगा? क्या है ना कोरिएंडर सूप, कौन सा वेजिटेबल लेमन कोरिएंडर सूप फॉर ऑल माय वेजिटेरियंस। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहले ये क्रैब, उफ क्या लग रहा है, बोनलेस क्रैब, क्या मेहनत लगती होगी यार इस क्रैब को, मतलब बोनलेस बनाने के अंदर। मैं बहुत समय के बाद दोस्तों एक्चुअली ये क्रैब सूप पी रहा हूँ, इट इज सो डिलीशियस, द क्रैब कितना फ्रेश है। मुझे तो थोड़ा कोल्ड हो रहा है, ठीक हो जाएगा, सॉरी मैंने तो नैपकिन डाला। तो पेपर भी डाल सकती है थोड़ा सा, नाक खुल जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आई कैन नॉट टेक स्पाइस, यू नो नॉट गुड विद स्पाइसेस, नॉट इवन पेपर। एक्चुअली कोई भी फ्लेवर ऐड करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली ऑन इट्स ओन इट्स रियली वेरी गुड, एंड यू नो माइन इज द क्लियर सूप, सो इट्स टेस्टिंग सी द चेरी टोमेटो, इट्स सो गुड। लेकिन मैं तो आपको टेस्ट करने को भी नहीं बोल सकती, और मैं आपका टेस्ट देखा, मैं तुमको कह रहा था तुम बोल रही थी सी फूड रेस्टोरेंट में लेके जा रही हो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए कुछ मिलेगा कि नहीं, पहली डिश देखो कैसी आई है। यस यस, भरोसा कर लिया करो कभी कभी हम पे भी, खाने के मामले में एटलीस्ट। फ्रेंड्स व्हाट अ स्टार्ट टू अ सी फूड फीस्ट, अमेजिंग। तो दोस्तों महेश लंच होम, हम तो जूहू में हैं, इनकी एक ब्रांच फोर्ट में भी है, तो जो लोग टाउन साइड रहते हैं उनके लिए, एंड इनके पास ना बहुत मॉकटेल्स की भी बहुत सारी वैरायटी है, कॉकटेल्स भी हैं, इट्स अ प्रॉपर फॉर्मेट रूम एंड रेस्टोरेंट, तो जिसको अपनी ड्रिंक्स के साथ सी फूड का खाने का मज़ा है, स्टार्टर्स लेने हैं, फ्राइड फिश वगैरह है, आइडियल प्लेस, बेस्ट प्लेस टू एंजॉय योर ड्रिंक्स, चिल आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली,
and enjoy a seafood treat and a veg treat also. Yes, and I would just like to add कि मुझे लगता है for special occasions also we can come. Yes, yes, definitely. Some nice and कभी कभी ऐसा होता है ना husband के साथ date पे जा रहेगा मन हो तो भी. Coffee पे ले जाऊँगा तुमको तो मैं. वहीं पे तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा. आज से soup भी add हो गया. Okay, done. तो दोस्तों starters ये हैं तो फिर climax क्या होगा मुझे नहीं पता. Lotus stems to sweeten garlic. Okay, very good. नहीं मुझे नहीं. अपने मैम को दीजिए ये लोटस स्टेम स्वीट एंड गार्लिक और साथ में है ये इसके पनीर मलाई टिक्का. ओके पनीर मलाई टिक्का. ओके तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेजिटेरियंस के लिए भी खूब सारी वैरायटी. अभी तो बहुत इन्होंने एक या दो डिश दी है, बहुत सारी चीज़ें. और अब शुरू होंगे हमारी एक एक चीज़. हमारे पास क्या क्या है, ये है कि सुरमई तवा फ्राई, साथ में है मेरे पास प्रॉन्स कड़ी पत्ता, बोम्बिल फ्राई, क्रैब मीट बॉल्स. डिड आई मिस एनीथिंग? नो, डन. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉन्स कड़ी पत्ता. लाइए थैंक यू. ओह लुक एट द साइज ऑफ द प्रॉन्स, अमेजिंग. तो दोस्तों टेस्ट करते हैं प्रॉन्स कड़ी पत्ता और आप टेस्ट कीजिए लोटस स्टेम. बताता हूँ अभी कैसा लग रहा है, पहले मैं इसे एंजॉय कर लूँ. फ्रेंड्स एक चंकी प्रॉन्स हैं, बड़े बड़े, कोकोनटी फ्लेवर है, करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स की क्रिस्पनेस. और योर टेस्ट फैंटास्टिक. आप बताइए गिरते पढ़ाते हुए आपका लोटस स्टेम कैसा है? यस, आई हैड द लोटस स्टेम और इस तरह का लोटस स्टेम आई मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार ही खाया है. इसके ऊपर पीनट्स हैं क्रश्ड एंड वेरी वेरी डिफरेंट. ओके यू कैन ट्राई लोटस स्टेम. मतलब वो जो भैं बोलते हैं हम लोग. हाँ कमल ककड़ी. हाँ मतलब मम्मी के हाथ की सब्जी तो बहुत खाई है लेकिन ऐसा नहीं खाया मेरे को. अब मैं फिर ट्राई करता हूँ ये क्रैब मीट बॉल्स. सॉफ्ट सॉफ्ट बाहर से क्रंची क्रंची है, फ्राइड है क्रैब, यानी कि इसको बोनलेस करके स्टफ्ड है. मेरे लिए फर्स्ट टाइम है एब्सोल्युटली फ्रेश क्रैब्स. अगेन काफ़ी मेहनत से बनाने वाली डिश है क्योंकि क्रैब को इटसेल्फ बोनलेस करने में बहुत मेहनत लगती है और इन्होंने टू दी टी यानी कि परफेक्टली किया है. वाह, चटनी थोड़ी लगाई जाए इसके साथ. चटनी के बिना भी अच्छा था, चटनी के साथ और अच्छा हो गया. क्या बात, पनीर लुक वेरी फ्रेश. हां वेरी फ्रेश एंड वेरी सॉफ्ट. ओके वेरी सॉफ्ट, नाइस. बॉम्बे डक वन ऑफ माय फेवरेट. आ जाओ तो फ्रेंड्स बॉम्बे डक बोम्बिल फ्राई. अब इसे बॉम्बे डक क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बट इसका नाम है, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है. बहुत हल्का मसाला है और अंदर की फ्रेश. इस रेस्टोरेंट में फ्रेश नहीं मिलेगी तो हल्का मिलेगी. क्या बात है, क्रंची सुरमई तवा फ्राई. क्या बात है, मैंगलोरियन तवा फ्राई. लुक एट द साइज ऑफ द सुरमई. कोल्हापुरी ठेचा. और ये क्या गार्लिक, क्या कॉम्बो है, क्या प्लेट है. दोस्तों अब लता जी बैठ गई आराम से पनीर खा के और लोटस स्टेम खा के और मेरी मेहनत जारी है. और माय फेवरेट फिश है सुरमई, ये बहुत अच्छी लगती है. पहले बिना किसी ठेचे के बिना किसी चटनी के खाऊंगा मैं. मैंगलोरियन मसाले में इसको फ्राई किया गया तवे के ऊपर, शैलो फ्राइड है, डीप फ्राइड बिल्कुल नहीं है. मसाला कमाल का है, टिपिकल मैंगलोरियन या कर्नाटक स्टाइल का मसाला है और टेस्ट में अव्वल नंबर है. क्या बात, तो जो
वेजिटेबल्स टू है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज. एंड मेरी किस तरह से खाने की आदत है, इसे हमेशा मैं मोस्टली इसे लाइक सूप एंड वेजीज होती हैं उस तरह से जो है वो बोल में डाल के पहले खा लेती हूँ, बिकॉज आई लव द फ्लेवर ऑफ कोकोनट मिल्क इन इट. तो तुम ये खा रही हो पहले? या मैं हमेशा इसे पहले इसे अलग से ही ऐसे खाती हूं. गरम ना हो ध्यान से. स्टॉप हैविंग विद या. फू करो फू. ब्रोकली न्यूट्रिशन फाइबर. कोकोनट फ्लेवर, जो कोकोनट की स्मूथ ग्रेवी होती है ना कोकोनट मिल्क की, लवली. सही है. मेरे पास देखो क्या है, प्रॉन्स गस्सी. गस्सी दोस्तों थिक ग्रेवी होती है मैंगलोरियन स्टाइल, और जो करी होती है वो थोड़ी पतली होती है गस्सी से. और साथ में इसके मेरे पास ये अप्पम. नाइस नाइस, गोल गोल, फ्लफी फ्लफी, सॉफ्ट सॉफ्ट अप्पम. तो इसको मैं टेस्ट करूँगा प्रॉन्स गस्सी के साथ. प्रॉन्स के एज यूजुअल जैसे स्टार्टर में थे ना बड़े बड़े पीस, इसमें भी नाइस बिग चंक्स ऑफ प्रॉन है. ओह, और ये ग्रेवी के साथ लगा के properly spiced, unstoppable. मतलब एक बार शुरू करे बंदा तो खाता यार, उसका टेस्ट लिंगर करता है अपनी जबान के ऊपर. क्या बात है, करी थी टोटली टोटली ले गया मुझे मैंगलोर, where the food galores. ऐसे ना मीठे फ्रेश प्रॉन्स मुंबई में खास तौर पर, मतलब बहुत कम जगहों पर मिलते हैं. गोवा जाते हैं वहां तो मिलते ही हैं, बट दिस फ्रेशनेस एंड स्वीटनेस जस्ट अमेजिंग. कभी ये लोग कहते हैं, मैंने उनसे पूछा बारिशों का मौसम चल रहा है, और यूजुअली लोग कहते हैं कि बारिशों में फिश नहीं खानी चाहिए, फ्रेश नहीं होती, बट यहाँ उसका उल्टा ही है. सॉरी, इसलिए लोग कहते हैं दिस इज महेश, यहाँ पे आपको 365 दिन ताज़ी फिश, ताज़े प्रॉन्स और हर कुछ फ्रेश मिलेगा. क्यों? दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर खाने के लिए. अभी मुंबई में तो मुझे पता चला कि दो नहीं तीन ब्रांचेज हैं इनकी, साकीनाका में भी है, फोर्ट जू बेंगलोर में है, आई थिंक वाशी में भी है, राइट? वाशी में भी है ना? करेक्ट, थाने में भी है. तो खूब सारी ब्रांचेज हैं, तो पुणे में भी है. ओके, हाँ, तो जहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं और अगर आपके पास आपके शहर में महेश है तो प्लीज़ वहाँ जाइए, और अगर नहीं भी है तो सिर्फ महेश में सी फूड खाने के लिए ट्रैवल कीजिए. ओके, सो वेज चेट्टीनाड इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, और चेट्टीनाड से लेकर मतलब मुंबई तक मैंने खाया हुआ है इसे. आई जस्ट लव द वेजिटेबल्स एंड द ग्रेवी. एक्चुअली ये ग्रेवी डेफिनेटली, क्योंकि बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं, तो ये भी इट्स गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग इट लुक्स लाइक. एंड आई लव द सीजनिंग विद द कड़ी पत्ता जो ऊपर है ना, तो मैं इसे अप्पम के अप्पम ही कहते हैं ना, इसे अप्पम साथ ट्राई कर लेती हूँ. नी डोसा अगेन इज माय फेवरेट, सो मे बी आफ्टर दिस आई कैन. सोल कड़ी दोस्तों, वेजीज वेजीज एंड मोर वेजीज एंड आई जस्ट लव इट. द सोल कड़ी सो गुड है, तुमने टेस्ट नहीं किया ना? बज ऑफ माय थ्रोट. हां, अब बताइए चेट्टीनाड पहुंची कि नहीं पहुंची? मालगुडी डेज एक्सट्रीमली फ्रेश, फर्स्ट थिंग इज एक्सट्रीमली फ्रेश एरोमेटिक. एंड मैं स्पाइसी नहीं खा सकती हूँ ज़्यादा, तो खास करके बोल के इसे काफ़ी माइल्डली स्पाइस कराया था, सो स्पाइसी वर्जन आई विश आई कुड ईट वुड हैव बीन डेफिनेटली मच मोर, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा. बट दिस इज ऑल्सो इक्वली वेरी वेरी नाइस फॉर दोज हु ईट लेस स्पाइस, दिस इज परफेक्ट. यस, मतलब अगर आप इन्हें बता देते हैं कि आपका टेस्ट अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो ये लोग उसी तरह आपकी फेवरेट डिश को बनाकर दे देते हैं. लविंग द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड अरोमा ऑफ द करी लीव्स. तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द डिशेस आर मैंगलोरियन, बट दिस डिश इज अ मालवानी फिश करी. रावस फिश की बनाई हुई है ये, और अच्छे अच्छे मुझे चंक्स बोनलेस नज़र आ रहे हैं इसमें रावस के. मालवानी कुजीन अगेन मेरा फेवरेट कुजीन है, महाराष्ट्रियन कुजीन बोल सकते हैं इसको, कोंकण कोस्ट का बेसिकली है, मालवन रीजन से आता है ये. तो आई विल ट्राई दिस विद नीर डोसा, बिकॉज नीर डोसा मालवानी फूड के साथ बहुत अच्छे से जाता है. पतला पतला सॉफ्ट सॉफ्ट नीर डोसा है,
नीर मतलब पानी और डोसा, यानी पानी जैसा डोसा, नरम नरम प्यारा प्यारा लाइट लाइट, और ये साथ में रावस मालवानी करी डिप करेंगे एक ग्रेवी के साथ, मालवानी ग्रेवी के साथ, और इसे एंजॉय करेंगे। वो बेस्ट पार्ट लस्सी में जो मैंगलोरियन फ्लेवर्स हैं और ये जो मालवानी फिश करी में जो मालवन के फ्लेवर्स हैं ना, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग और दोनों कमाल के। कलर इज नॉट ऑलमोस्ट द सेम, ये थोड़ा इसमें ब्राउनिश टिंज है और इसमें थोड़ा रेडिश टिंज है, थोड़ा सा हाँ ऑरेंजिश, हाँ वही फ़र्क है, क्योंकि मालवानी मसाले में और बेंगलोरियन मसाले में थोड़ा फ़र्क होता है, दो या वेरी क्लोज टू द कोस्ट, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कोस्ट तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं जाके। तो ग्रेट, और दोस्तों मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, महेश लंच होम में हर साल अक्टूबर नवंबर में क्रैब एंड वाइन फेस्टिवल होता है, बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पर, कई ये लोग नई नई डिशेज रखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स, बिकॉज अक्टूबर में महेश लंच होम की एनिवर्सरी भी है, आई थिंक 17th October, राइट? यस 17th October को। सो एट दैट टाइम एवरी ईयर इफ़ यू आर इन मुंबई और यहाँ पर भी महेश है आपके पास, अगर आपको मौका मिले अक्टूबर नवंबर में तो ज़रूर विजिट कीजिए और एन्जॉय कीजिए इनका क्रैब एंड वाइन फेस्टिवल। अभी खाना इतना अच्छा है इस समय पर भी, तो फेस्टिवल के टाइम क्या होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं, एन्जॉय द फेस्टिविटीज। क्या बात है दोस्तों, ये अब आया है हाईली रिकमेंडेड बॉयल्ड राइस, यानी कि ब्राउन राइस। इसके फ़ायदे तो लता जी आपको बताएंगी कि इस ब्राउन राइस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, नॉर्मल राइस से थोड़ा अलग होता है। तो ये मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट गया भर, और साथ में इसके ऊपर डालूंगा मैं ये अगेन मालवानी ग्रेवी। देखा एक फिश का छोटा सा पीस है और इसे खाया जाएगा हमारे कटलरी के साथ, यानी कि अपने हाथों के साथ। ओह हाँ, तो लता जी क्या बोल रही थी ब्राउन राइस के बारे में, बताइए। ब्राउन राइस इवन अदरवाइज राइस इज क्वाइट हेल्दी, और ये अनपॉलिश होते हैं तो डेफिनेटली दे आर मोर हेल्दियर, एंड राइस खाने से लोग डरते हैं, बट आई वुड ऑलवेज से दैट राइस इज समथिंग विच इज ग्लूटेन फ्री। इट इज ग्लूटेन फ्री, इट इज ईजी टू डाइजेस्ट, अगर सही तरीके से कुक किए गए देन देयर इज नो हार्म इन ईटिंग व्हाइट राइस। और इनको राइस को बनाने में नॉर्मल राइस से ज्यादा टाइम लगता है ना? यस, बिकॉज दे आर नॉट पॉलिश्ड, दैट्स व्हाई, एंड अनपॉलिश्ड राइस इज द बेस्ट राइस, बट इवन दूसरे भी खाते हैं, सो राइस नेवर मेक्स यू फैट, इट्स ओनली द हम उल्टा सीधा खाते हैं, दैट मेक्स अस फैट। वो मिथ है ना एक, कि चावल खाने से मोटे होते हैं। देखो हम कितने चावल खाते हैं, मोटे हुए है हुए सब हुआ हुआ है, मोटा पा देख नहीं रहा। तो जी अब आ गया है लता का टाइम खाने का, क्योंकि मीठे दान तो इन्हीं के हैं, शुरू कीजिए गुलाब जामुन के साथ। डू आई लव द पायसम ऑल्सो, लेकिन मैं अभी कुछ ऑफ लेट आई एम नॉट एबल टू हैव मिल्क, नहीं तो मैं जरूर पायसम टेस्ट करती हूँ, दूध का इस वजह से नहीं, सो आई लव द गुलाब जामुन। ओके फ्रेंड्स, पायसम ठंडा नाइस, एंड दिस इज वार्म एंड नाइस, यू कैन मिक्स बोथ एंड ईट। ओके नो दिस इज गुड ऑन इट्स ओन। अगर ऐसे बेंगलोरियन रेस्टोरेंट में आओ या किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाइए तो डेजर्ट में पायसम मिस मत कीजिएगा, ये लोग जो बनाते हैं ना हमसे घर पे नहीं बन पाएगा। ग्रेट, उसमें खास बात क्या है, ड्राई फ्रूट्स तो डाले हुए हैं, कोकोनट जो होता है ना टेंडर कोकोनट अंदर का मलाई, जो कोकोनट की मलाई होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ऐसे श्रेड कर करके डाला हुआ है कोकोनट की मलाई। अरे वाह, बढ़िया पार्टी होगी फ्रेंड्स, लुक्स रियली टेंटिंग। हां दिस इज वेरी टेंटिंग, वेरी टेस्टी। यू टेस्ट दिस? या व्हाई नॉट, एक्चुअली मिक्स करके अच्छा लगेगा, गुलाब ट्राई करता हूं, चलो ये ट्राई करता हूं, गुलाब जामुन हमारी नॉर्थ की, एंड दिस इज स्प्रेड आउट ऑन पायसम में, बिकॉज़ वो गरम एंड ठंडा है, वो कॉम्बिनेशन टेस्ट, हां लाइक आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन वी यूज्ड टू हैव, आइसक्रीम गुलाब जामुन गाजर का हलवा एंड आइसक्रीम। Great, great food, great sweets and great place, great and great staff, superb, humble, sweet, service also excellent, wow. तो खाओ दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया महेश लंच होम में खाना खाकर, और मैं आपको एक बात बता दूं कि महेश लंच होम में ना सिर्फ
सी फूड स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है ये, बट भी यहाँ पर इंडियन फूड भी है, चाइनीज़ भी है, ओरिएंटल भी है, और वेज एंड नॉन वेज की खूब वैरायटी है। तो जो भी कुजीन आपको पसंद हो, आपके लिए जगह एक ही है और वो है महेश लंच होम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग तक आप सब हमारा इंतज़ार कीजिए, तब तक आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।